रानी चटर्जी डिप्रेस हो चुकी हैं। रानी चटर्जी ने वो लिखा है जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि रानी चटर्जी की लाइफ में इतना सारा भूचाल चल रहा है। रानी चटर्जी को कौन नहीं जानता। रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री में वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने खुद अपने दम से कई फिल्में चलाई हैं। भोजपुरी हो, इंडस्ट्री हो, या फिर बॉलीवुड या फिर पंजाबी इंडस्ट्री, कौन नहीं जानता रानी चटर्जी को। और कुछ छोरे लोग जो कि अपनी बातों से किसी भी औरत को इतना डीमोटिवेट कर देंगे कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने या सुसाइड करने की सोच सकती है। मैं रानी चटर्जी से हम इतनी अपील करेंगे, संभावना सेठ को देखिए कितना कुछ कहा गया उस औरत के बारे में, कितनी स्ट्रांग लेडी है। रानी चटर्जी के बारे में अब जो वो बंदा कर रहा है उसको इग्नोर करें। रानी चटर्जी के लिए हम यहाँ बस यही कहेंगे कि हाथी चलता जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन ऐसे कुत्तों के लिए पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। रानी चटर्जी एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी हैं। रानी ने अपने लाइफ में कई ऐसे पड़ाव देखे हैं जो सामान्य लड़की अगर देखे तो न जाने क्या क्या कर ले, लेकिन रानी चटर्जी एक बहुत ही स्ट्रांग हैं। संभावना सेठ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त हैं और संभावना से मैं तो ये कहूँगी कि रानी चटर्जी को थोड़ा मोटिवेशन लेना चाहिए। खैर, हम आपको वो चीज़ें पढ़कर बता रहे हैं जो रानी चटर्जी के बारे में एक व्यक्ति लगातार फेसबुक पर कुछ लिखता जाता है, मोटी भैंसी न जाने क्या क्या, और उसे न जाने कितने सालों से रानी चटर्जी झेल रही हैं और अब अपनी व्यथा वो इस तरह बयां कर रही हैं कि हो सकता है कि मेरी लाइफ में अगर कुछ आगे कोई कदम उठाऊं तो उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, धनंजय सिंह करके कोई व्यक्ति है, वो है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। फिर रानी से हम यही अपील करेंगे कि रानी, आपकी लाइफ धनंजय जैसे लोगों के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए और ना ही फेसबुक और सोशल मीडिया पर इतना वक्त जाया कीजिए। आपके पास बहुत काम है और आप लोगों की रोल मॉडल हैं। आप इस तरह से अगर सोचेंगी तो आप सोचिए जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनका क्या। धनंजय सिंह जैसे कई मूर्ख आते हैं सोशल मीडिया पे, उनका कुछ काम नहीं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है जो लोगों को सिर्फ इस तरह की बातें कह सकते हैं। सो प्लीज़, रानी चटर्जी से यही अपील है कि इन लोगों पर ध्यान न दें, कृपया ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अभी हाल ही में हमने सुशांत सिंह जैसे एक टैलेंटेड एक्टर को खोया है। और रानी चटर्जी से यही अपील है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की आप शान हैं, इसी तरह से बने रहिए। और रही बात डिप्रेशन की, सो रानी, आपसे भी गई गुजरी कई लोगों की स्थिति है जीवन में, उनके बारे में अगर आप सोचिएगा कि उनके बारे में कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें अपने परिवार से दूर रह के न जाने कितनी जिल्लतें झेलनी पड़ती हैं और वो जिल्लतें ऐसी होती हैं जो असहनीय होती हैं। ऐसे में सुसाइड जैसा काम करना बहुत ही घटिया डिसीज़न है। आप लोगों की रोल मॉडल है और रोल मॉडल बने रहिए। आप तो वो हैं जो दबंगई से हर चीज़ लड़ती हैं। आप वो नहीं हैं जिसे कि हम ये कह सकें कि ये कमज़ोर और कायर रानी हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।